राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया, जो उदयपुर शहर से विधायक भी है, वह अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं। और राज्यपाल बनने के बाद पहली बार आज की तारीख में उदयपुर आए हैं, क्योंकि 22 तारीख को इनका गुवाहाटी असम में शपथ समारोह है। और अभी खड़े हुए हैं उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा लगी हुई, इस प्रतिमा पर सम्मान कर रहे हैं फूलमाला अर्पित करके। और डबोक एयरपोर्ट पे जब आए गुलाबचंद कटारिया, तब से उनका स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जगह पर उनका स्वागत किया है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सभी उनका स्वागत अभिनंदन का कर रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता शामिल हैं और सभी नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर ये कर चुके हैं सम्मान समारोह कर रहे हैं, अभिनंदन चल रहा है गुलाबचंद जी कटारिया का। और सभी यहाँ पर नेता शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के, और उपरना उड़ाकर फूलमाला माला पहना कर उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया जी से पूछेंगे कि सर, सर क्या कहना चाहेंगे राज्यपाल, असम के राज्यपाल बने किस तरह से खुशी है, क्या आगे रणनीति रहेगी? पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के द्वारा जो आदेश होता है वो पालना करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको सही ढंग से निभाऊं। अच्छा, एक सवाल सबके मन में, आपके जाने के बाद यहाँ पर कौन? देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल रहता ही नहीं। यहाँ हजारों लाखों गुलाबचंद जैसे कार्यकर्ता हैं। गुलाबचंद को मौका मिला इसलिए बड़ा बन गया, उनको मौका नहीं मिला बाकी खिस्ता उनमें भी है। तो मैं सोचता हूँ एक नहीं, अटल जी के बाद सोचते क्या होगा, मोदी जी ने उसकी जगह भर दी, भैरव सिंह जी के बाद सोचा क्या होगा, वसुंधरा जी ने उसकी जगह भर दी। हमारी पार्टी में कई कार्यकर्ता उसी योग्यता के हैं जो इस स्थान को भर सकते हैं। आपने जाना कि कटारिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ये सवाल रहता ही नहीं है कि कौन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार बदलते जाते हैं और पार्टी तय करती है कि क्या होगा आगे। इनसे बात करें सर, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। हमारे भाई साहब गुलाब जी असम के राज्यपाल बने हैं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे 12वीं रिलेशन है उनका, मेरे मदर के मौसी के लड़के हैं, नाना लाल कोटारी बोल रहा हूँ मैं, भाई वाला मेरे मदर के मौसी। आपको कौन, किसको देखते हैं कटारिया जी की बात में, यहाँ उदयपुर में कौन होगा? ये तो ये बीजेपी तय करेगी। यहाँ पारस सिंह भी जी है, रजनी जी डांगी है, रविंद्र जी श्रीमाली है, किसे आप मानते हैं? तो इसमें पारस जी भी आ सकते हैं, रविंद्र जी भी आ सकते हैं, रजनी जी भी आ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? राजमल जैन, महामंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ऐसा है कि जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अथर्च वाला है। और एक मेवाड़ का, मेवाड़ में जो गुलाब जी भाई साहब ने 50 साल तक पार्टी में अपना जीवन खपा दिया है, तो हमारी ये इच्छा है कि इनको अभी आसाम के राज्यपाल तो बने हैं पर आगे भी इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम इनके प्रति मंगल कामना करते हैं। और संपूर्ण मेवाड़ की जनता इनके प्रति समर्पित है और गुलाब जी भाई साहब भी मेवाड़ के प्रति आज दिन तक समर्पित रहे। इन्होंने ये कार्यकाल देखा जब मोटरसाइकिल लेकर के, एसडी गाड़ी लेकर के गांव गांव में घूमे और आज ये हालत है, पार्टी अपने एक नंबर पे सर्वोच्च स्थान पे पहुंच गई है। ये सारी मेहनत गुलाब जी को जाती है और आगे हम ये चाहते हैं उदयपुर का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के पास में रहे। इसके लिए जन जन के नेता आदरणीय पारजी सिंह जो उप महापौर है और चेयरमैन कैरिस भी है, तो उनको अवश्य रूप से मौका मिलना चाहिए। पारस जी की पहुंच उदयपुर की आम नागरिक से बच्चों से लगा करके बूढ़ों तक पहुंच है, इसलिए हमारी ये हार्दिक इच्छा है उदयपुर की आम जनता की कि ये एमएलए का जो टिकट है पारस जी सिंह को मिलना चाहिए। तो आपने देखा है कि यहाँ पर उदयपुर चम्बस की तरफ से तो दावेदारी जता दी है कि यहाँ पर अगला जो चेहरा हो वो पारस सिंह भी हो, जो अभी उदयपुर नगर निगम के महापौर है। आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, इस तरह 17 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उदयपुर डबोक एयरपोर्ट से लेकर शहर का, पूरे जगह चौराहों पर, अलग अलग जगह पर ऐसा
ही माहौल था और गुलाबचंद कटारिया का पूरी तरह से अभिनंदन कार्यक्रम किया गया और कुछ ही देर में उदयपुर के पास ही बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर कार्यकर्ताओं का 3,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे और कल जो है नगर निगम के टाउन हॉल में भी एक अभिनंदन कार्यक्रम नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम मतलब होगा और वहाँ पर भी अलग अलग संगठन जो शहर के हैं 100-125 संगठन है वह संगठन यहाँ पर उनका अभिनंदन करेंगे स्वागत करेंगे लेकिन सवाल यही उठता है कि उनके बाद अब यहाँ पर मेवाड़ में गद्दी कौन लेगा इसके पीछे काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है और यहाँ तक कि राजघराने पूर्व राजघराने से संबंधित डॉक्टर लक्ष्मणराज सिंह जी मेवाड़ का भी इन चर्चाएं हो रही है कि वह भाजपा का दामन थामेंगे और मेवाड़ की गद्दी पर हसीन होंगे भाजपा की गद्दी पर हसीन होंगे और मेवाड़ को आगे बढ़ाएंगे। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी उदयपुर।